नमस्कार, आज हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक इंटर स्टेट फेक इंडियन करेंसी नोट रैकेट गैंग का अरेस्ट हुआ। ये इंटर स्टेट फेक करेंसी गैंग में जो दो लोग अभी अरेस्ट हुए हैं उनके पास से 3.98 लाख का फेक इंडियन करेंसी नोट और एक टू व्हीलर बरामद हुआ। इस गैंग का गैंग लीडर मोहम्मद गौस, जो बॉम गौस के नाम से जाना जाता है, सन ऑफ शेख अहमद, एज 48 इयर्स, ऑक्यूपेशन फ्रूट वेंडर और ये रेसिडेंट ऑफ तालाब कट्टा हैदराबाद का है। दूसरा गैंग मेंबर रबीउल शेख, सन ऑफ मंसूर अली, एज 22 इयर्स, ये मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। इस गैंग में एक तीसरा मेंबर जो अभी एब्सकॉन्डिंग है, फरार है, अमीनुल रहमान एलियस बबलू, सन ऑफ फजलू शेख, एज 32 इयर्स, ये भी मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। जो मेन अक्यूज है मोहम्मद गौस, वो राउडी शीटर है चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन का और इसका राउडी शीट 1991 में ओपन हुआ था। 1991 में इसके ऊपर बहुत सारे केस थे और उसमें पोजेशन ऑफ बॉम्ब और टेररिस्ट एंड डिस्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट का था, उसके तहत भी इसको अरेस्ट किया गया था। 2011 में ये फेक इंडियन करेंसी नोट के इलीगल एक्टिविटीज में आया और उसके ऊपर 12 केसेस इन हैदराबाद सिटी एंड 1 केस इन विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम में रजिस्टर हुआ। आखिर में ये चारमीनार पुलिस स्टेशन में 2016 में अरेस्ट हुआ था। जेल में इसकी मुलाकात अमीनुल रहमान एलियस बबलू ऑफ मालदा से हुआ और उसके बाद इसका फिर अरेस्ट हुआ था भवानीपुरम पुलिस स्टेशन लिमिट ऑफ विजयवाड़ा और वाइजैक फोर टाउन पुलिस स्टेशन लिमिट। जेल से बेल पर निकलने के बाद 12 जनवरी 1919 को ये इमीडिएटली गौस से मिला और अपना पुराना कॉन्टैक्ट अमीनुल रहमान, जो कि मेन सप्लायर था 2 साल से, उससे मिलने के लिए राजमंत्री सेंट्रल जेल में गया। वहां वो मुलाकात सूरज शेख से किया, जो कि नेटिव ऑफ मालदा और वो अक्यूज है गौस के साथ, और वहां से फोन नंबर ऑफ अमीनुल रहमान एलियस बबलू का लिया। नंबर लेने के बाद वो FICN का डील के लिए अपना तैयारी शुरू किया। बबलू 4 लाख वर्थ FICN अपने ट्रस्टेड एड रबीउल शेख के मार्फत भिजवाया था। रबीउल शेख इसके पहले फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट में 2015 में, जब वो एक जुवेनाइल था, उस समय इसका अरेस्ट हुआ। आज 15 फरवरी को जब ये दोनों गौस और रबीउल शेख एक्सचेंज कर रहे थे FICN इन हशामाबाद एरिया अंडर चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट, उसी वक्त इंफॉर्मेशन के हिसाब से साउथ जोन टास्क फोर्स और चंद्रायन गुट्टा पुलिस मिलकर ये लोग को एप्रीहेंड किए। इसका जो प्राइम अक्यूज है अमीनुल रहमान एलियस बबलू, उसका जो विलेज है कृष्णापुर, वो विलेज बांग्लादेश और इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर पे है और इसका रेगुलर टच बांग्लादेश और इंडिया के जो स्मगलर्स हैं बीच में, उनसे रेगुलर रहता है। ये जो नोट रिकवरी हुआ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, जैसे कि कलर कॉम्बिनेशन, क्वालिटी ऑफ पेपर और फ्लोरेसेंट थ्रेड, ये सब इसमें काफ़ी क्लोज है ओरिजिनल नोट से, इसीलिए ये लगभग हाई क्वालिटी FICN इसको कहा जा सकता है। इस पूरे एक्टिविटीज़ में जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से अच्छा काम हुआ, उसमें हमारे एडिशनल DCP टास्क फोर्स S चैतन्य कुमार और उनके साथ भवानी नगर के पुलिस फोर्स, और जिसमें हमारे इंस्पेक्टर के मनु मोहन रेड्डी, SIN श्री साइलम, KN प्रसाद वर्मा, मोहम्मद थकीउद्दीन, वी नरेंद्र और चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के पूरे स्टाफ काफ़ी अच्छा काम किए और हमारे तरफ से उन सभी को हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you.